दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं PYQ प्रैक्टिस फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 9, यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये PYQ का पार्ट नंबर 2 है। यानी एक वीडियो मैं और इसी टॉपिक पर अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने यूनिट 9 से जो PYQs आए हुए हैं उनको कॉन्सेप्ट के साथ में सोल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर इस वीडियो के बाद वो वीडियो आपको विजिबल हो जाएगी, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्ट पर, जिसमें जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पर ये क्वेश्चन, अच्छा लास्ट टाइम हमने कर लिया था, मुझे बस एक मिनट दीजिएगा, जो आज के क्वेश्चन है नए उनको मैं एक बार ओपन कर लेती हूँ। ओके, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये जून 2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, और देखिए दिया है आइडेंटिफाई द प्लॉट दैट डिपिक्ट द चेंज इन मेटाबॉलिक रेट ऑफ एन एंडोथर्म विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर। तो एंडोथर्म क्या होते हैं, एक्टोथर्म क्या होते हैं, पहले इनके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ इस टॉपिक से और भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फिक्स है या अनफिक्स है, उसके बिहाव पर उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनको हम एक्टोथर्म बोलते हैं या फिर पोइकिलोथर्म भी बोलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एंडोथर्म होते हैं। डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस ये है कि जो एक्टोथर्म होते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो एंडोथर्म होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो वो ऐसा ही रहता है। अब हमारी बॉडी इसके लिए बहुत काम करती है, यानी अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो कुछ ऐसे काम करती है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है कम ना हो, ज़्यादा रहे, क्योंकि अगर बाहर कम है तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर भी पड़ेगा। अगर बाहर टेम्परेचर कम है तो हमारी बॉडी का भी कम हो सकता है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी और भी काम करती है ताकि वो मेंटेन 37 पर रहे। और अगर बाहर का टेम्परेचर हाई है, ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी कुछ ऐसे मैकेनिज्म करती है जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर 37 से ज़्यादा ना हो जाए, 37 ही रहे। तो हम किस में आते हैं, हम एंडोथर्म में आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी लगातार इस काम पर लगी हुई है कि बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहे, ठीक है। लेकिन जो एक्टोथर्म होते हैं वो कुछ ऐसा काम नहीं करते, उन्हें इस चीज़ की कोई टेंशन है ही नहीं कि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। वो क्या करते हैं कि बाहर का जैसा है ऐसे ही वो उनकी बॉडी का भी हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी का फिक्स टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं। बाहर यानी कि अगर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर लो है, सर्दियाँ हैं, तो उनकी बॉडी का भी कम हो जाएगा। अगर बाहर ज़्यादा है तो उनकी बॉडी का भी ज़्यादा हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर चेंज विद इन द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, जैसा बाहर का टेम्परेचर ऐसा ही उनकी बॉडी का चेंज हो जाता है। और यहाँ अगर बात करें एंडोथर्म की, वो होमियोस्टेसिस करते हैं। होमियोस्टेसिस का मतलब होता है ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है। यानी कि इनके पास टेंडेंसी होती है टू मेंटेन अ फिक्स बॉडी टेम्परेचर, ओके। तो वो होते हैं एंडोथर्म। यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे एंडोथर्म के बारे में पूछा है कि कैसा रहेगा। अब देखिए इस ग्राफ में जो थर्ड है, सीधा मैं आपको आंसर पर लेके चलती हूँ और फिर बताऊंगी बाकी गलत क्यों है। अब यहाँ देखिए, ये दिया हुआ है मेटाबॉलिक रेट और ये दिया हुआ है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। हमारी बॉडी मेटाबॉलिक रिएक्शन करती है मेंटेन करने के लिए, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी होमियोस्टेसिस कैसे करती है, विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिक रेट। तो स्टार्टिंग में देखिए ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है और यहाँ पर काफ़ी कम है, और कहाँ तक कम है, मतलब कब हमें लगेगा कम है, जहाँ हमारी बॉडी का 37 होता है, यानी यहाँ से लगा करके यहाँ तक। तो अगर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए लो टेम्परेचर है, तो अगर हमारी बॉडी कुछ नहीं करेगी तो हमारा भी लो हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या करती है, बॉडी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देती है ताकि मेटाबॉलिक रिएक्शन से हीट जनरेट हो, और हीट जनरेट होने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो कम हो सकता है वो कम ना रहे, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बाहर का कम है तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो सबसे हाई रहेगा।
अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है तो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेट है वो उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, किस साइड बढ़ रहा है, 37 के साइड में बढ़ रहा है, तो मेटाबॉलिक रेट भी धीरे 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 कम होने लगता है। और जैसे ही टेम्परेचर यहाँ आएगा बाहर का, जितना हमारी बॉडी का भी होता है, तो ये फिर कॉन्स्टेंट हो जाता है। मतलब देखो, अगर बाहर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, हमारी बॉडी का भी कितना होना चाहिए, 37 ही होना चाहिए। तो हमारी बॉडी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेगी, क्योंकि बाहर भी इतना है और अंदर भी हमें इतना ही रखना है। तो अगर रेंज यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेट है वो लगभग कांस्टेंट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट करता है, फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। अब की बार जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगी वो बॉडी को कूल डाउन करने के लिए होंगी, क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो बॉडी का भी ज़्यादा ना हो जाए तो कुछ ऐसी रिएक्शन करनी पड़ेंगी जो टेम्परेचर को कूल डाउन कर दे। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये क्या बताता है, एंडोथर्म के लिए बताता है। चलिए, तो ये हमारा सही आंसर है, एक बार फर्स्ट को देख लेते हैं। ये कह रहा है कि अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट भी कम होगा। अब देखो, बाहर का भी अगर कम है और बॉडी का मेटाबॉलिक रेट भी कम हो गया है, तो मतलब टेम्परेचर चेंज हो सकता है, लेकिन एंडोथर्म का एक ही रूल है, बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहेगा। तो इसलिए ये ग्राफ गलत है एंडोथर्म के केस में। यहां देखें तो इन्वायरमेंट का चाहे कैसा भी टेम्परेचर रहे, इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो कॉन्स्टेंट रहता है। चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो, चाहे कम हो, चाहे बहुत ज्यादा हो, वो क्या करते हैं, अपना मेटाबॉलिक रेट बराबर रखते हैं। एंडोथर्म ऐसे नहीं होते, बराबर नहीं रखेंगे, वो बढ़ाते रहेंगे घटाते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यहां पर देखें तो क्या लिखा है कि अगर इन्वायरमेंटल बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो मेटाबॉलिक रेट भी क्या है, कम है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे ही बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी बढ़ रहा है। ऐसा हमारे केस में नहीं होता है। तो अब आप जरा मुझे ये बताइए सोच करके कि इन तीनों में से, ये तो एंडोथर्म का हो ही गया है, इन तीनों में से कौन सा ग्राफ है जो कि एक्टोथर्म के बारे में बता रहा है। क्या कोई ऐसा ग्राफ है, और है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि A, 1, 2 और 4 में से कौन सा ग्राफ है जो एक्टोथर्म के बारे में बताए। यानी कि अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज करके यहाँ एक्टोथर्म कर देती हूँ तो कौन सा सही आंसर होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आया हुआ है जून 2021 शिफ्ट 2 के अंदर, आपसे पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन कैसे होता है। थर्म का मतलब क्या है, कल बताया था, टेम्परेचर की जहां बात हो, हीट की जहां बात हो, वहां थर्म जो टर्म है वो आ जाएगी। और रेगुलेशन मतलब एनिमल्स के अंदर जो टेम्परेचर है वो कैसे मेंटेन होता है, उसके रिगार्ड में यहाँ आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। और पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द पोइकिलोथर्मिक एंड एक्टोथर्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि पोइकिलोथर्मिक होते हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनका बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर, यानी कोई फिक्स नहीं होता है, उनके रिगार्ड में कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है। ठीक है, देखिए फर्स्ट में लिखा है इट यूज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू रेगुलेट द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, जो पोइकिलोथर्मिक होते हैं उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कैसे रेगुलेट होता है, जो बाहर का है उससे, मतलब बाहर ज्यादा है तो अंदर भी ज्यादा है, बाहर कम है तो अंदर भी कम है, तो कैसे रेगुलेट हुआ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। बी में लिखा है डज नॉट यूज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू रेगुलेट द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। बिल्कुल एंटागोनिस्टिक स्टेटमेंट है फर्स्ट वाले की। अब अगर हमने फर्स्ट सही किया है, ऑब्वियसली सेकंड क्या होगा, गलत होगा। सी में लिखा है इट कैन वेरी इंटरनल टेम्परेचर कंसिडरेबली, मतलब वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल है। एंडोथर्म में क्या होता है, चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है, लेकिन जो एक्टोथर्म होते हैं उनमें वो चेंज होता रहता है। तो यहां पर भी यही बात कही है, तो सी भी सही है। डी में लिखा है इट कैन मेंटेन थर्मल होम्योस्टेसिस इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या ऐसा होता है, नहीं, वो होम्योस्टेसिस नहीं करते हैं, उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रख सके, तो ये गलत हो जाएगा। ए और सी सही है,
यानी कि द थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. ओके चलिए बढ़ते हैं आगे. जून 2021 शिफ्ट वन. देखिए ये अभी 2023 का ही क्वेश्चन है और यहाँ आपको दिया है नेशनल पार्क. नहीं नहीं यहाँ पी में तो दिया है ऑर्गेनिज्म का नाम और क्यों में दिया है आपको नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है. तो आपको बताना है कौन से नेशनल पार्क में कौन सा ऑर्गेनिज्म मेन है जिसको वहां पर कंजर्व किया जा रहा है. ठीक है तो देखिएगा कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है यानी वो खत्म होने वाले हैं. तो क्या किया जाता है उनके एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए नेशनल पार्क बनते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनती है, बोटानिकल गार्डन होते हैं, जूलॉजिकल गार्डन होते हैं जो क्या करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है मतलब उनको कंजर्व करते हैं कि वो बचे रहे एक्सटिंक्ट ना हो जाए. तो यहाँ पर यही लिखा है कि कॉलम क्यू के अंदर तो आपको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क दिया हुआ है और यहाँ बताया है ऑर्गेनिज्म का नाम कि किस ऑर्गेनिज्म को हमने यहाँ रखा है. ठीक है तो आया हुआ है घड़ियाल. अब एक क्वेश्चन और देखो ये है 2021 शिफ्ट वन का. उसमें भी क्या है यहाँ कंजर्वेशन एरिया दिया है आइदर नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और यहाँ ऑर्गेनिज्म का नाम है. तो देखो यहाँ भी घड़ियाल आया हुआ है. ठीक है आगे देखो ये है जून 2022 शिफ्ट टू का क्वेश्चन. इसमें भी क्या है ये बायोस्फीयर रिजर्व है यानी कंजर्व करने के लिए यहाँ ऑर्गेनिज्म का नाम है. तो उसमें क्या है सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल है. और देखो ये क्वेश्चन में इस क्वेश्चन से ये उठा लिया है. ठीक है इससे घड़ियाल उठा लिया है और ये दोनों मिलाकर के दे दिए हैं 2023 में घड़ियाल और सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल. ठीक है तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सेम रिपीट तो नहीं होते हैं बट रीफ्रेम हो जाते हैं. मतलब कुछ पॉइंट यहाँ से जैसे आपको याद हो अभी लास्ट वीडियो में हमने डिक्लोफिनेक का पढ़ा था कि जो डिक्लोफिनेक होते हैं वो जिप्स वल्चर को ख़त्म करते हैं. तो पहले तो वो मैचिंग टाइप में क्वेश्चन आया हुआ था लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या किया केवल डिक्लोफिनेक को उठा करके एक पूरा क्वेश्चन पार्ट बी का दे दिया है. तो क्वेश्चन इस तरीके से रीफ्रेम होकर आते हैं पार्ट मतलब यूनिट 9 के अंदर. ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं इन सबको एक बार पढ़ लेते हैं. इस क्वेश्चन में भी जो आए हैं इसमें भी जो है इसमें भी जो है इन सबको एक साथ पढ़ लेते हैं और फिर अपने क्वेश्चन को तीनों को सोल्व करेंगे. जो घड़ियाल होता है उसको रिजर्व करने के लिए यानी उसको कंजर्व करने के लिए नेशनल चंबल सेंचुरी है. ये आपको याद रखना है घड़ियाल के लिए क्या है नेशनल चंबल सेंचुरी जो है वो घड़ियाल के लिए मेन है. इसके बाद जो हम बैक मैशीर है वो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलते हैं. जो हॉक्सबिल टर्टल है वो घरीमाता सेंचुरी में मिलते हैं. जो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो कहाँ मिलता है बिटकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर ग्रेट निकोबार में भी मिलते हैं. और ये ग्रेट निकोबार क्या है ये बायोस्फीयर रिजर्व है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. तो ये भी आपको याद रखना है जो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल है उनको दो जगहों पर रखा गया है बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज ग्रेट निकोबार और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है बिटकर कनिका. बिटकर कनिका ठीक है. जो स्नो लेपर्ड है वो कहाँ रखे गए हैं हेमिस नेशनल पार्क में रखे गए हैं. एंडेमिक सिट्रस स्पीसीज जो हैं मतलब ऐसे सिट्रस जो कि एंडेमिक हैं मतलब पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं वो एरिया क्या है कॉकरेक नेशनल पार्क. जो ऑर्किड्स हैं वो मिलते हैं सीसा सेंचुरी में. जो नेपेंथीज हैं वो मिलते हैं भगमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. जो लायन टेल्ड मेकाको हैं वो मिलते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में. ये आपको याद रखने हैं. ठीक है आगे देखिए गल्फ ऑफ मेन्नारी बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ देखने को मिलता है डुगोंग. जो डिहांग डिबांग है ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ मिलते हैं मस्क डियर. सीसा चरम हिल्स जो है वहां मिलते हैं सिलेंडर लोरिस. ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं. ठीक है एक दो आपको अगर और याद है इम्पोर्टेंट लगते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है चलिए अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की. घड़ियाल हमने अभी कहाँ पढ़ के आए हैं घड़ियाल मिलते हैं नेशनल चंबल सेंचुरी में. ठीक है यानी ए का हो जाएगा सेकंड और ए का सेकंड हमें फर्स्ट में दिया है और फोर्थ में दिया है यानी सेकंड को और थर्ड को मैं कर सकती हूँ यहाँ से खत्म. इसके बाद देखिए सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था निकोबार ग्रेट निकोबार.
और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी थी? भिटकर कनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी बी का हो जाएगा वन, और बी का वन। देखो इन दोनों पार्ट से ही आप अपने सही आंसर पर आ गए हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हम बैक महशीर कहाँ मिलेंगे? कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और हॉक्स बिल टर्टल कहाँ मिलेंगे? घरी माता सेंचुरी में, यानी सी का फोर्थ डी का थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके चलिए आगे देखते हैं। 2021 शिफ्ट वन के अंदर क्वेश्चन है, हेमिश नेशनल पार्क में कौन था? हेमिश नेशनल पार्क में थे निपेंथीज, एक मिनट रुकिए, हाँ स्नो लेपर्ड, हेमिश नेशनल पार्क में था स्नो लेपर्ड, यानी ए का हो जाएगा फोर्थ, ए का फोर्थ है। नेशनल चंबल सेंचुरी में कौन है? घड़ियाल, यानी बी का हो जाएगा सेकंड। इसके बाद कॉकरेक नेशनल पार्क में क्या थे? एंडेमिक सिट्रस स्पीसीज थी, यानी सी का हो जाएगा फिफ्थ। इसके बाद जो सीसा सेंचुरी है उसमें मिलते हैं ऑर्किड्स, तो डी का हो जाएगा वन। और जो भगमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें मिलते हैं नेपेंथीज, तो यानी ई का हो जाएगा थर्ड, द सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके चलिए आगे देखते हैं। 2022 शिफ्ट टू के अंदर है, यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व दिया है और यहाँ है कॉलम में जो हमारे ऑर्गेनिज्म है। सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहाँ मिलता है? ग्रेट ग्रेट निकोबार, यानी सी का हो जाएगा सेकंड, और सी का सेकंड आपको यहाँ दो ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, गल्फ ऑफ मेन्नोर में क्या था? डुगोंग, यानी ए का हो जाएगा थर्ड, तो ए का थर्ड, यहाँ हम अपने दो ऑप्शन से ही सही आंसर पर आ गए हैं। ठीक है, डिहांग और डिबांग, डिहांग और डिबांग में क्या था? मस्क डियर थे, यानी बी का हो जाएगा वन। इसके बाद सीसाचलम हिल्स में क्या थे? सिलेंडर लोरिस थे, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या थे? लोयन टेल्ड पिकाको। ठीक है, तो ई का फोर्थ और डी का फिफ्थ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जून 2023 शिफ्ट टू के अंदर है ये क्वेश्चन आया हुआ है, और यहाँ दिया है ऑर्गेनिज्म का नाम, और यहाँ बताया है कि वो कहाँ मिलते हैं, मतलब अब हम रिजर्व नहीं कर रहे हैं, अब वो नॉर्मली कहाँ मिलते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सैवला जो होते हैं वो मिलते हैं वियतनाम में, ये बातें आपको याद रखनी होंगी, हो सकता है अगली बार आपसे डायरेक्ट पार्ट बी में पूछ लिया जाए कि जो सैवला है वो कहाँ मिलते हैं, तो वियतनाम विल बी द आंसर। ठीक है, जो इलीपिका होते हैं वो मिलते हैं टेंशन माउंटेन्स में, यानी ए का सेकंड बी का वन, ए का सेकंड बी का वन, अपने सही आंसर पर हम आ गए हैं। इसके बाद देखिए जो ग्रेट बैम्बू लेमूर है वो मेडागास्कर में मिलते हैं, और जो एडेक्स है वो मिलते हैं सहारा डेजर्ट में, यानी सी का फोर्थ डी का थर्ड, सी का फोर्थ डी का फोर्थ डी का थर्ड, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, सैवला कहाँ मिलता है? वियतनाम में। इलीपिका मिलता है तियानशन माउंटेन में। ग्रेट बैम्बो लेमूर मेडागास्कर में। एडेक्स कहाँ मिलते हैं? सहारा डेजर्ट में। ओके चलिए आगे देखते हैं। ये जून 2023 शिफ्ट टू का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है और यहाँ दिया है कि वो कैसे आए हैं। तीन चीजें अब तक हमने पढ़ ली है, उनको हम कहाँ रिजर्व कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, दूसरा हमने देखा है वो नेचुरली कहाँ मिलते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ कैसे आया है। मानो जैसे कि ये है धतूरा इनोक्सिया है, तो ये धतूरा इनोक्सिया यहाँ, मानो यहाँ धतूरा इनोक्सिया है, तो हमारा सवाल है कि ये यहीं पर था या कहीं से लाया गया है, तो अब हम देखने वाले हैं कि ये कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो देखिए जो टैबुना रोजिया है ये आया है अमेरिका से, जो तो टैबुया रोजिया है ये कहाँ से आया है? अमेरिका से आया है, यानी ए का है फोर्थ, तो ए का फोर्थ आपको केवल सी में दिया हुआ है। और जो फुलिका है, कौन सा फुलिका है? एक्टिना फुलिका, ये आया है अफ्रीका से। एक्टिना फुलिका कहाँ से आया है? अफ्रीका से, यानी बी का वन है। ठीक है, और देखिए धतूरा इनोक्सिया जो है ये आया है इंट्रोड्यूस एंड इन्वेसिव है कहाँ? अमेरिका का ही। ठीक है, तो ये साउथ अमेरिका से है, कौन सा? रोजिया है साउथ अमेरिका से, फुलिका है अफ्रीका से, और धतूरा इनोक्सिया कहाँ से है? अमेरिका से है, तो यानी सी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। और जो डी है यानी कि मेरोपस विरिडिस जो है ये कहाँ है? ये कई बार इंडिया में ही देखा गया है, एक्स्ट्रा
लेमिटल स्पीसीज है जो माइग्रेटरी और अदरवाइज दैट हैज बीन रिलायबली रिपोर्टेड फ्यूर देन 10 टाइम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि वो इंडिया के अंदर कैसे आए हैं। तो जो रोजिया है वो आया है साउथ अमेरिका से, फुलिका आया है अफ्रीका से, धतूरा इनोक्सी आया है अमेरिका से, और जो मेरोपस विरिडस है ये इंडिया में ही कई बार उसको रिपोर्ट किया गया है कि ये बाहर से इम्पोर्ट हुआ है। ठीक है, तो डी का है सेकेंड, यानी कि द थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है जून 2023 शिफ्ट वन का। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट आपको आता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप तुक्का भी नहीं मार सकते अगर आपने उसके बारे में एक बार भी नहीं सुना है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं, हो सकता है कि यहाँ से कोई मैचिंग टाइप में क्वेश्चन आ जाए। तो लिखा है द ग्रिजल्ड जियांट स्क्विरल रेतूफा मैक्रुआ नेचुरली अकर इन, देखो ये है रेतूफा मैक्रुआरा, हो सकता है अगली बार इसे मैचिंग टाइप में रख दे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जो जियांट स्क्विरल है मतलब बड़ी सी गिलहरी होती है ये कहाँ मिलती है, नेचुरली कहाँ तो देखने को मिलती है, तो ये मिलती है सदर्न इंडिया में और श्रीलंका में। ठीक है, जैसे जो हम इंडिया का ड्रॉ करते हैं तो ये वाला पार्ट जहाँ श्रीलंका है वो सदर्न इंडिया है, तो यहाँ सदर्न इंडिया में मिलता है और श्रीलंका में देखने को मिलती है ये जियांट सी जो स्क्विरल है। मैंने फोटो भी लगा दिया है, आप देख सकते हैं, कुछ चीज़ें हमें फोटो से भी याद रह जाती हैं। तो ये बड़ी सी होती है, देखो कितनी बड़ी है, आराम से मजे में पड़ी है, उसको कोई टेंशन नहीं है, किसी का पेपर है, किसी का नेट का पेपर भी है, किसी की 13 यूनिट हुई है लेकिन रिवीजन नहीं हुआ है, किसी ने सारा पढ़ तो लिया है लेकिन ऐसा लगता है कि याद नहीं है, कोई किसी की बस 5 यूनिट हो पाई है, किसी ने सारी यूनिट तो कर ली है, रिवाइज भी कर लिया है लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, इसे कोई टेंशन नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, मजे में पड़ी है, सब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी ये याद रखना है। ठीक है, ओके, जून 2023 शिफ्ट वन के ही अंदर एक क्वेश्चन आया है, उस बर्ड का नाम बताओ जो इतना ऊंचा उड़ती है, इतना ऊंचा उड़ती है कि माउंटेन को भी क्रॉस कर देती है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ बर्ड इज नोन टू माइग्रेट अक्रॉस द हिमालयाज, मतलब जब वो माइग्रेट करती है, देखो कुछ बर्ड ऐसी होती हैं जो कई सारे काम की वजह से माइग्रेट करती हैं, मतलब मानो वो यहाँ रह रही हैं लेकिन कुछ उनका ज़रूरी काम है तो वो माइग्रेट कर जाती हैं, कहीं और चली जाती हैं, तो आपको ऐसी बर्ड का नाम बताना है जो हिमालयाज को अक्रॉस करके यानी हिमालयाज को क्रॉस करके माइग्रेट करती है। ठीक है, तो उसका नाम है बार हेडेड गीज। ठीक है, बार हेडेड गोज जो होती है, या फिर गूज भी बोल सकते हैं, बार हेडेड गूज जो बर्ड हैं वो ऐसी हैं जो हिमालयाज को अक्रॉस पार करके माइग्रेट करती, जैसे देखो ये यहाँ जा रही हैं चिल्लाती हुई वी 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 करती जा रही हैं और हिमालयाज को क्रॉस कर रही हैं, ये देखो यहाँ बार हेडेड गूज जो है रेजिंग द बार ईच ईयर, वो हमेशा हर साल माइग्रेट करती है, हिमालयाज को क्रॉस करके जाती हैं, कौन, बार हेडेड गूज। ठीक है, सो द फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे है, ये भी जून 2023 शिफ्ट वन का ही क्वेश्चन है, यहां आपको कुछ एल्गी का नाम दिया गया है। रिमेंबर कल की वीडियो में हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम को 5 डिवीजन में डिवाइड किया है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजियो। ठीक है, तो यहां ये क्वेश्चन आया हुआ है एल्गी से, कई सारी एल्गी आपको दे दी गई है और पूछा है कि इन्हें इस तरीके से अरेंज कीजिए कि कॉम्प्लेक्सिटी के बिहाफ पर हो, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी अमंग द गिवन जेनरा। ठीक है, मतलब उनके स्ट्रक्चर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, इस तरीके से आपको बताना है। तो यहाँ क्लोरेला दिया है, जैगनिमा दिया है, उडोगोनियम दिया है और ड्रेपेरनेलडिया दिया हुआ है। ठीक है, एक वोल्वॉक्स भी दिया है, कारा भी दिया गया है, अगेन ये दोनों सेम आ गए हैं। इसके बाद ये कई सारे, एक बार देख लेते हैं, मैंने इसके डायग्राम लगाए हुए हैं, देखो कितने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किए हैं। जो क्लोरेला होता है ये एक ऐसी एल्गी है जो यूनिसेलुलर है, ऐसी बहुत कम एल्गी है जो एक ही सेल से बनी है, मोस्टली कैसी है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन जो क्लोरेला है वो कैसी है, यूनिसेलुलर है। तो अब आप देखो एक ऐसी एल्गी जो कि एक ही सेल से बनी है, एक ऐसी एल्गी जो बहुत सारे सेल से बनी है, तो कौन कॉम्प्लेक्स होगा,
जो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो जो क्लोरेला होता है वो सबसे ज्यादा सिंपल है। क्लोरेला क्या है देखो, बस एक सिंगल सा सेल होता है, ये है क्लोरेला, ये भी क्लोरेला, ये भी क्लोरेला, तो ये यूनिसेलुलर होती है। इसके बाद जैगनिमा जो है ये कैसी होती है, फिलामेंटस होती है, मतलब ये फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है। अब ये हमें ऐसे दिखाई नहीं देती है, ये भी ऐसे नहीं दिखाई देती है, इनको माइक्रोस्कोप में देख करके, यहाँ फोटो मतलब लगाया हुआ है, ये माइक्रोस्कोपिक फोटो है, मतलब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो ऐसी दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये जो जायगोनिमा होती है ये फिलामेंटस है, यानी ऐसे फिलामेंट बने होते हैं। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि बड़े बड़े फिलामेंट होते हैं, तो बस एक सेल है छोटा सा, ये क्या है, बड़े बड़े फिलामेंट बने हैं जिसमें यहाँ सेप्टम भी प्रेजेंट होते हैं जो उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये जैगनिमा है। इसके बाद जो उडोगोनियम है और जो वोल्वेक्स है, वोल्वोक्स है, ये ऐसी एल्गी है जो होती तो छोटी है साइज में, लेकिन वो ग्रुप में रह करके बड़ी हो जाती है, मतलब वो ग्रुप में रहती है। जैसे देखो उडोगोनियम जो है ये क्लोनियल है, मतलब कॉलोनी बनाकर रहती है। इसके बाद जो वोल्वोक्स है ये भी क्या है, कॉलोनियल है, मतलब कॉलोनी बना करके रहते हैं। जैसे देखो ये है उडोगोनियम, इसमें भी यहाँ कई सारे सेल आपको दिखाई देंगे इस तरीके से, तो ये भी मल्टी सेलुलर होती है। यहाँ देखिए वोल्वोक्स है, तो ये आपको एक ऐसे दिखाई देता है वोल्वोक्स, लेकिन ये वोल्वोक्स क्या है, ग्रुप ऑफ एल्गी होता है, मतलब इसमें बहुत सारे अलग अलग एल्गी हैं जो इकट्ठे होकर के वोल्वोक्स बनाते हैं। तो इसमें ये वोल्वोक्स जो उडोगोनियम है ये इनके बाद आएंगे, मतलब ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू जैगनिमा। इसके बाद देखिए जो कारा है, ये माइक्रोस्कोपिक होती है, मतलब इसको आप देख सकते हैं, जैसे ये तो हम नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, इनको हम एटलीस्ट देख तो सकते हैं, स्टडी करना है तो माइक्रोस्कोप में देखना होगा, लेकिन वैसे देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक है, इस तरीके से होते हैं ये। तो ये है कारा। इसके बाद ये है ड्रेपेनेल्डिया, ये भी माइक्रोस्कोपिक होती है, देखो कितना ब्यूटीफुली दिखाई गया है, ये देखिए। तो ये हाईली कॉम्प्लेक्स होती है, इसकी स्ट्रक्चर सबसे बड़ी है इन सारों में, अगर हम कंपेयर करें तो देखो कितने सारे स्ट्रक्चर्स निकली हुई हैं, ये इनकी बॉडी है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, इसमें क्लोरेला सबसे कम, फिर जैगनिमा, फिर ओडोगोनियम, फिर ये ड्रेपेनेल्डिया, नेल्डिया, ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। वोल्वोक्स है, ठीक है, लेकिन जो उडोगोनियम है वो इससे पहले आएगा, कारा से पहले आएगा, तो ये गलत है। इसमें क्लोरेला ठीक है, लेकिन इन सबसे कॉम्प्लेक्स ये होता है, लेकिन इसको पहले दे दिया है तो ये भी गलत हो गया है। इसके बाद जो उल्वा है ये भी क्या है, कम कॉम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू दिस, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये आपको बातें याद रखनी है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी जून 2023 शिफ्ट वन का ही क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपसे पूछा है अबाउट द एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली लिस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड अरेंज अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एवरेज वर्ल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। देखो एनपीपी क्या होता है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसी रिगार्ड में जीपीपी, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर देखो जो जीपीपी होता है उसका मतलब है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब एक जो प्लांट है वो एक टाइम में कितना फूड बनाता है। तो ये तो क्या है, एक मिनट रुकिएगा, बस एक मिनट रुकिएगा, थोड़ी सी दिक्कत इसमें आ गई है, जब तक हम पढ़ लेते हैं। जीपीपी क्या है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जिसमें कि मतलब हम देखते हैं कि एक प्लांट ने इतने पर्टिकुलर समय में पूरा फूड कितना बनाया है, ये होता है जीपीपी। उसके बाद रेस्पिरेशन क्या है, कि उसने जितना यूज में लिया है उसको माइनस करके आता है एनपीपी, ठीक है, उसमें आता है एनपीपी। तो जीपीपी मतलब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी एक प्लांट ने कितना फूड बनाया है, माइनस आर होता है रेस्पिरेशन, उसने कितना खर्च किया है उसको जब हम माइनस कर देते हैं तो ये होता है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे मानो मेरे पास अगर 100 रुपए आए हैं, तो 100 में से अगर मैंने 50 अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लिए हैं,
तो 100 माइनस 50, 100 क्या है जीपीपी, 50 क्या है मेरा खर्च यानी कि रेस्पिरेशन, तो क्या हो जाता है एनपीपी आ जाता है। तो इसी के बिहाफ पर आपसे पूछा है कि अगर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है तो किसका ज्यादा रहेगा। एक बार देख लेते अपने क्वेश्चन को, ओपन कर लेते हैं। ओके तो यहां देखिए सबसे ज्यादा जो एनपीपी होती है, तो यहाँ इकोसिस्टम का पूछ लिया गया है कि पूरा इकोसिस्टम की किसके बिहाफ पर है। तो देखो सबसे ज्यादा जो एनपीपी होता है वो ओपन ओशन का होता है, जो बड़े बड़े समुंदर हैं, ठीक है, उनका सबसे ज्यादा एनपीपी होता है। उसके बाद जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनका होता है, फिर नदर्न जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है उनका होता है, और फिर एस्टुअरीज का होता है। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर, आपको ये याद रखना है। अगर आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। ओपन ओशियन, इसके बाद फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर नदर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट, और देन एस्टुअरीज। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हनी बी स्पीसीज इज नेटिव टू द इंडिया सब कॉन्टिनेंट, मतलब ऐसा मधुमक्खी का नाम आपको बताना है, वो स्पीसीज का नाम बताना है जो नेटिव है टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन में मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही नेटिव है, मतलब यहीं पर वो रहती है, उन्होंने काम किया है, तो वो है एपिस डोरसाटा, ठीक है। क्या है एपिस डोरसाटा है, देखो इसमें मैंने डायग्राम भी लगाया हुआ है, वो कुछ ऐसी दिखाई देती है मधुमक्खी जो होती हैं, उनका नाम है एपिस डोरसाटा, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नेटिव है। ओके चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 2022 शिफ्ट 1 का, बायोडाइवर्सिटी को लेकर के है। एक बार देखिएगा, थोड़ा सा डेटा इसमें है जो आपको याद रखना है। क्या दिया हुआ है कि इंडिया हैज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, पूरे वर्ल्ड में हमारी इंडिया कितना कवर करती है, पूरे वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया हमारे इंडिया में है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है, बट अकाउंट फॉर 12% ऑफ द ऑल रिकॉर्डेड स्पीसीज, जितनी भी स्पीसीज अब तक डिस्कवर हो गई हैं उनमें से केवल 12% इंडिया में आती है, तो ये गलत है। इंडिया कितना कवर करती है, 8%। तो ये आपको याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया के अंदर जो लैंड एरिया है वो 2.4% है, और टोटल जितनी भी स्पीसीज डिस्कवर हुई हैं, रिकॉर्ड हुई हैं, उनमें से 8% हमारे इंडिया के अंदर है। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आगे के लिए आप इस बात को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ए गलत है। इंडिया हैज ओवर 45,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड 91,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, नंबर तो सही है लेकिन गलत कर दिया है, अपोजिट कर दिया है, जो मतलब एनिमल होते हैं वो 91,000 है, तो ये भी आपको याद रखना है, 91,000 किसके स्पीसीज है, एनिमल्स के हैं, इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं, भारत के अंदर, और 45,000 जो है वो प्लांट्स की हैं। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है, इस क्वेश्चन से हमने दो बातें नई सीखी हैं, एरिया कितना है, स्पीसीज कितनी है, एनिमल कितने हैं, प्लांट कितने हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें उल्टा दिया हुआ है। फोर ऑफ द ग्लोबली आइडेंटिफाइड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कैन बी फाउंड इन इंडिया। देखो हॉटस्पॉट क्या होते हैं, एक ऐसा एरिया जहां पर एरिया कम है उसके कंपेयर में स्पीसीज ज्यादा है, और वो स्पीसीज कैसी है, एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जो उसी एरिया में मिलती है, अगर आप उन स्पीसीज को उठा करके कहीं और ले आएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, वो स्पेशली उसी एरिया के लिए है, उनको हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। तो ये हॉटस्पॉट एरिया जो होते हैं उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि ये चीज़ें अगर फुलफिल है तो ये एरिया क्या है, हॉटस्पॉट है। तो हमारे इंडिया में टोटल 4 हॉटस्पॉट होते हैं, ये बात बिल्कुल सही लिखी है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पूरे वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट एरिया अभी तक बनाए गए हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर 4 होते हैं, 4 कौन कौन से हैं, चलो कुछ मैं बता देती हूँ, कुछ आप बताएंगे। एक वेस्टर्न घाट होता है, हिमालयाज होते हैं, सुंडालैंड होता है, सुंडालैंड, और एक एंडो बर्मा के साइड में है, ठीक है, एक बार आप उसको चेक कर लेना, 4 होते हैं, तो ये सी हमारा सही है। इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हर्बर्स अराउंड 60%
ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। ये बात भी बिल्कुल सही है कि पूरे वर्ल्ड में जो 60% टाइगर पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया में है, ठीक है। तो डी स्टेटमेंट भी सही है। तो ये क्वेश्चन भरपूर डेटा से भरा हुआ था, कई सारी चीजें हैं जो अलग अलग से भी क्वेश्चन करके आ सकती हैं, तो आपको याद रखनी है। ओके, तो सी सही है, डी सही है, यानी कि द फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2022 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, द ब्लैक बग जिसका साइंटिफिक नेम है एंटीलोप सर्वी कैपरा हैज बीन ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज। कौन सी कम्युनिटीज हैं जिनसे जो इन मतलब ब्लैक बग हिरन होते हैं उनको नेचुरली प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो होते हैं विश्नोई। चलिए इसके बारे में मैं कुछ बातें आपको बताती हूँ केवल याद रखने के पर्पज से, हालांकि सच भी है और आपको वो चीज़ें याद भी हो जाएंगी, ठीक है। तो होता क्या है कि जब कुछ एनिमल्स डेंजर में होते हैं, मतलब वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो सरकार क्या करती है, नेशनल पार्क बना देती है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देती है, बायोस्फीयर रिजर्व बन जाते हैं, या बोटैनिकल गार्डन है या फिजियोलॉजिकल पार्क है, ये बना दिए जाते हैं ताकि उनको सेव किया जा सके, ठीक है। तो ये तो गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन कुछ ऐसी भी कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि उन चीज़ों को मतलब पवित्र मानती है और श्रद्धा होती है उनकी, तो वो नेचुरली उसको मतलब रखते हैं, सेव करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, हिंदुओं में क्या होता है, गाय जो होती है पवित्र मानी जाती है और गाय को माता मानते हैं, तो क्या हिंदुओं को कहा जाएगा कि तुम गाय को सेव करो, उनके मन में खुद श्रद्धा है गाय को लेकर के, तो वो नेचुरली नॉर्मली उनको सेव करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और काट तो मार तो नहीं सकते हैं। ऐसे ही हिंदू में ही जो तुलसी होती है वो कितनी पवित्र मानी जाती है, तो अगर मानो ऐसा हो कि तुलसी इस कगार पर आ जाए कि वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, तो जितने भी लोगों की श्रद्धा है उस चीज़ में, वो खुद उसको आकर के सेव करेंगे। तो ऐसे ही जो ब्लैक पग होते हैं, जो काले हिरन होते हैं, वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, तो ये भी एक कम्युनिटी है जिनको हम बोलते हैं विश्नोई। ये कम्युनिटी जो है, इनके लिए जिस तरह हमारे लिए गायें पूज्य है, इनके लिए भी गायें पूज्य होती है, और वो जो हिरन है वो उनकी श्रद्धा होती है इसमें, तो वो उसको नेचुरली सेव करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं कि जो ब्लैक बग है उसको ट्रेडिशनली कैसे प्रोटेक्ट करता है, कौन प्रोटेक्ट करता है, तो उसको विश्नोई प्रोटेक्ट करते हैं। आपको वो केस याद है जिसमें जो सलमान खान है उसने ब्लैक बग को मतलब शिकार करते हुए उसको ख़त्म कर दिया था, हिरन को मार दिया था। तो इस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो काफ़ी खिलाफ हैं सलमान खान के, कि उन्होंने मतलब जो हमारे पूज्य हैं, जिसमें हमारी श्रद्धा है, जिसको हम पूजते हैं, उसको मारा है। तो काफ़ी खिलाफ थे उस चीज़ के कि उसको मतलब सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने हमारे लिए हमारे साथ ऐसा किया है। तो वो ब्लैक बग यही है वो, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2022 शिफ्ट 2, देखो कितना ब्यूटीफुल ये बर्ड दिया हुआ है, और उसका नाम क्या है, इसका नाम और भी सुंदर है। क्वेश्चन में कहा है, एन इंडियन बर्ड स्पीसीज नोन टू डिफेंड द फ्लावर इज दैट, मतलब इन चारों में से कौन सी बर्ड है जो फ्लावर को डिफेंड करती है, बचाती है, उनकी रक्षा करती है, तो वो है पर्पल रम्ड सनबर्ड। मतलब ये पर्पल कलर की होती हैं, और इनकी जो पूंछ है, मतलब ये जो उनकी रम्ड मतलब की जो पूंछ होती है वो पर्पल कलर की होती है। देखो यहाँ पर ये जो है पर्पल कलर की है, थोड़ी सी दिखाई दे रही है, इसलिए इनका नाम क्या है, पर्पल रम्ड सनबर्ड है। अब ये फ्लावर को कैसे बचाती है, पोलिनेशन करवाती है, ये जो बर्ड है ये करवाती है पोलिनेशन, जिससे कि और नए फूल बनेंगे और उन फूलों की एक्सटिंक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि जब पोलिनेशन होगा तो नए प्लांट बनेंगे, नए फ्लावर बनेंगे, तो इस तरीके से ये डिफेंड करती है, ठीक है। और इंडिया के अंदर ही ये स्पीसीज बर्ड की मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द थर्ड ऑप्शन। ये क्वेश्चन है जून 2021 शिफ्ट 1 का, और यहाँ पर आपको डिजीज माइक्रोब्स का नाम दिया है, पैथोजन का, और यहाँ बताया है कि वो किस प्लांट में डिजीज कोज करते हैं। देखो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो बैक्टीरियल ब्लाइट होती है वो कौन करता है, स्क्लेरोपथोरा मैक्रोस्पोरा। बैक्टीरियल ब्लाइट क्या है, एक डिजीज है जिसको ये जो है स्क्लेरोपथोरा मैक्रोस्पोरा जो है बैक्टीरिया ये कोज करता है, तो ए का हो जाएगा, नहीं 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 मैंने गलत बोल दिया है, वेट
बैक्टीरियल ब्लाइट जो है ये एक ऐसी डिजीज है जिसको कोज करता है एक बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है जेंथोमोनास ओराइजी, जेंथोमोनास ओराइजी। ठीक है, तो ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, जो ग्रेन रोट है उसे कौन कोज करता है, उसे कोज करता है बुरखोल्डेरिया गुलमेक। ठीक है, तो बी का हो जाएगा फिफ्थ। आगे देखिए, जो शीत ब्लाइट है ये कौन कोज करता है, ये कोज करता है रेजो रेजिप्टोनिया सोलेनाई, तो सी का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, लीफ स्मट ये कोज करता है एंटाइलोमा ओराइजा, और जो डाउनी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू कौन कोज करता है, स्क्लेरोप्थोरा मैक्रोस्पोर, यानी ई का हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखो आपको ये भी याद रखने हैं, हो सकता है अगली बार मैचिंग टाइप में इसमें से कोई एक दो उठा के दे दिया जाए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है जून 2021 शिफ्ट 2 का, और दिया है रिसेंटली भैरो घाटी, रिसेंटली द भैरो घाटी एरिया ऑफ उत्तरकाशी हैज बीन डिक्लेयर्ड अ कंजर्वेशन सेंटर फॉर अ स्पीसीज रेफर टू एज द घोस्ट ऑफ द माउंटेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज दिस रेफर टू। स्नो लेपर्ड। देखो जो ये है भैरव घाटी उत्तरकाशी में, ये उत्तरकाशी है मानो, इसमें एक एरिया है भैरव घाटी, इस भैरव घाटी एरिया को अब डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये क्या है, सेंटर है कंजर्व करने के लिए। ठीक है, जो नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, उनमें उनको अलग से बनाया नहीं जाता है, एक एरिया है। अब देखा स्नो लेपर्ड है और वो खत्म होने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्नो लेपर्ड है और वो खत्म होने वाले हैं, तो जहां जहां स्नो लेपर्ड ज्यादा होते हैं उस एरिया को सील कर दिया जाता है कि देखो अब ये जो एरिया है अब तुम इसमें एंट्री नहीं कर सकते। ह्यूमन के लिए होता है कि तुम इसमें एंट्री नहीं कर सकते, वो क्या है, कंजर्व स्पीयर है, मतलब कि वहां चीजों को अब सेव किया जा रहा है। ठीक है, तो जो उत्तरकाशी है वहां जो भैरव घाटी एरिया है उसको कंजर्वेशन सेंटर डिक्लेयर कर दिया गया है, और स्पेसिफिकली एक स्पीसीज के लिए है जिसका नाम है घोस्ट ऑफ द माउंटेन। अब वो घोस्ट ऑफ द माउंटेन कौन है, तो वो है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड क्या होते हैं, ऐसे लेपर्ड जो कि स्नो में मिलते हैं, तो उनको बोलते हैं स्नो लेपर्ड। देखो ये है स्नो लेपर्ड, तो इसके लिए इस एरिया को कंजर्व किया गया है कि वहां अब स्नो लेपर्ड रहेंगे आराम से मजे में, इन्हें कोई दिक्कत अब नहीं होगी। ठीक है, पहले डर था कि कोई आके इनको शिकार, मतलब इनका शिकार कर लेगा, ये खत्म हो जाएंगे, अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसको एक कंजर्वेशन सेंटर डिक्लेयर कर दिया गया है, तो वो है स्नो लेपर्ड। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है अगली बार आपसे पूछ ले कि जो स्नो लेपर्ड है जिनको घोस्ट ऑफ द माउंटेन बोलते हैं उन्हें कहाँ पर कंजर्व किया गया है, तो उन्हें कंजर्व किया गया है उत्तरकाशी के भैरव घाटी एरिया में। ओके, आगे देखते हैं। जून 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है 201, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट रिजर्वोयर ऑफ कार्बन इन द ग्लोबल कार्बन साइकिल, सबसे ज्यादा कार्बन कहाँ पर स्टोर है, तो देखिए इसके लिए ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा कार्बन होती है रॉक, जो रॉक होती है उन एरिया में मिलता है, फिर ओशियन में मिलता है, फिर एटमोसफियर में, और फिर मिलता है लैंड प्लांट में। सबसे ज्यादा कहाँ है, रॉक, फिर ओशियन, फिर एटमोसफियर, फिर लैंड प्लांट। तो यहां पर देखिए हमें रोक तो नहीं दिया गया है, तो ओशियन आ जाएगा, सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, ओशियन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। आगे देखिए, ये है जून 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, और यहां पर आपको दिए हैं कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम और फिर बताया है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब यहां तो ऑर्गेनिज्म के नाम है और यहाँ उनका नर्वस सिस्टम है। तो देखिए जो एनिमल किंगडम है उसमें जो नर्वस सिस्टम है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ है, मतलब जितने भी नॉन वर्टिब्रेट्स हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं, और फिर वर्टिब्रेट्स आए हैं, तो धीरे धीरे जो नर्वस सिस्टम है वो आकर के डेवलप हुआ है, और जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि हाईली डेवलप है। ठीक है, तो देखिए जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोन्स जो होते हैं, उनका नर्वस सिस्टम बहुत ही वीक होता है, मतलब वो सेंस करते हैं चीजों को और तब एनालाइज करते हैं, तो इनमें क्या होता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब आसपास कोई स्टिमुलस है तो वो उसको रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब उसको देखते हैं और फिर रिस्पॉन्स करते हैं, तो ए का हो जाएगा फोर्थ।
तो ए का फोर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद जो बोनी फिश है वो हाईली एडवांस होती है, तो उनके अंदर सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मिलता है, यानी कि सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों मिलते हैं। तो इन चारों में अगर कंपेयर करें सबसे ज्यादा एडवांस कौन सा है, बोनी फिश है, तो डी का हो जाएगा वन, डी का वन दिया है। ठीक है, इसके बाद जो जेली फिश होती हैं उनमें कैसा होता है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम मिलता है जिसमें स्मॉल गैंग्लिया सेंटर्स होते हैं, तो बी का हो जाएगा थर्ड। और जो फ्लैट वर्म होते हैं उनमें टू सिफेलिक गैंग्लियन जो ज्वाइन होते हैं कमेंसेस से, तो ये हो जाएगा सेकेंड, यानी कि यहाँ पर द सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, ये है जून 2021 शिप 2 का क्वेश्चन, आईडी है 264। यहाँ आपको ये चार नाम दिए हैं, कौन सा फॉसिल है, कौन सा लिविंग फॉसिल है, डिफरेंस क्या होता है। देखिए फॉसिल का मतलब है कोई बहुत पहले था, वो वहां रहता था, अब उसकी डेथ हो गई है, और जो उनके अवशेष हैं उनके कुछ कुछ पार्ट जो हैं वो अब मिल रहे हैं, तो मतलब वो अब यहाँ नहीं है, वो पहले इस धरती पर रहते थे, सर्वाइव करते थे, लेकिन अब उनकी डेथ हो गई है, तो उनके अवशेष मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं, तो वो तो होते हैं फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल क्या होते हैं, मतलब मानो ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, दोनों आगे बढ़े, ये यहाँ आ गया कुछ टाइम के बाद, मतलब ये भी यहाँ आ गए, इनकी हो गई है डेथ, तो अब इनके मिले हैं फॉसिल्स, कुछ कुछ पार्ट जो है इनके दबे हुए हमें मिले हैं, लेकिन ये अभी भी लिविंग है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत समय से हैं, मतलब उनके साथ के जो हैं वो फॉसिल्स बन गए हैं, मर करके फॉसिल्स हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदे हैं, उनको बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स। ठीक है, ओके। अब इन सभी में देखते हैं, ये है कैलिमडोन, ये फॉसिल फॉर्म में मिला है, देखो किस तरीके से ये ऐसे दिखते हैं जैसे लिजार्ड जो होती है, तो कैलिमडोन जो है ये फॉसिल है, और एनकाइलोसेफिडोन ये भी फॉसिल है, ये देखो यहाँ फॉसिल के फॉर्म में वो इस तरीके से मिला है, कुछ यहाँ पार्ट मिला है, कुछ ऐसा मिला है, कुछ ऐसा मिला है, कुछ ऐसा मिला है, तो इसमें जो कैलिमडोन है, कैलिमोडोन है और एनकाइलोसेफिडोन है, सेफिनोडोन है, ये दोनों क्या है, फॉसिल है, यानी ए और डी क्या है, एक्स है, ए और डी क्या है, एक्स है, और जो टोटारा है, टोटारा और साइफोसोरा ये दोनों क्या है, लिविंग फॉसिल है। कैसे दिखाई देते हैं, देखो ये बहुत पुराना, यानी इसके साथ के जो लोग बाग थे, इसके दोस्त थे, फैमिली मेंबर थे, वो सब फॉसिल में कन्वर्ट हो गए हैं, ये भाई साहब अभी भी जिंदे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी ऐसे ही हैं, तो जो टोटारा है, टोटारा जो है ये लिविंग फॉसिल है, और ये क्या है, साइफोसोरा ये भी क्या है, लिविंग फॉसिल है। अब देखो ये जो है, इसलिए कहते हैं जिंदगी में मस्त रहना चाहिए, मस्त रहेंगे टेंशन कम होगी तो जिंदगी थोड़ा लंबा जी पाएंगे, तो ये क्या करते थे अपने जिंदगी में, तारा रारा करता था, तारा रारा तारा रारा, सुना है आपने गाना, ठीक है, तो ये क्या करता था, इस गाने को सुनता है, उस पर डांस करता है, मस्त मोला है, अभी तक नहीं मरा है, और ये भी क्या है, साइफोसोरस है, साइफोसोरा है, मतलब ये भी मजे में है, तो अभी भी ये जिंदा है, तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, ये दोनों क्या है, वाई में लिविंग फॉसिल आएंगे, यानी कि बी और सी ये क्या है, वाई में आएंगे, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे खुद याद है, मैंने कई 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 बार करवा लिया है, आई होप आपको भी ये याद हो गया होगा। यहाँ दिया है आपको ऑर्गेनिज्म का नाम, यहाँ दिया है उनके लार्वा का नाम। ठीक है, तो जो टीनिया होते हैं उनके जो लार्वा है उसका नाम क्या है, हेक्साकंथ है, यानी ए का हो जाएगा वन। ओबिलिया जो होता है उसका है प्लेनुला, टीनिया क्या है, हेक्साकंथ है, ओबिलिया क्या है, प्लेनुला है, यानी ए का वन बी का थर्ड, ए का वन बी का थर्ड, द थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ब्लेनोग्लोसिस जो है उसका क्या है, ग्लोचिडियम है, डी का क्या है, नहीं ब्लेनोग्लोसिस का है टोर्नेरिया, यानी डी का क्या है, डी का हो जाएगा फोर्थ, और जो यूनियो है उसका है ग्लोचिडियम, यानी सी का सेकंड, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जून 2022 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया है कोरल्स के बारे में, कोरल्स क्या होते हैं, ये जो नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं पॉलिप और मेडुसा जो होते हैं, मतलब ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, ये अपने आप को कन्वर्ट करते रहते हैं पॉलिप में और मेडुसा में, उसके रिगार्ड में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा है कौन सा गलत है, नॉट करेक्ट पूछा है,
ठीक है, जो कोरल्स होते हैं उनके पास, उनके जो स्ट्रिंग होते, टेंटिकल्स होते हैं, उनमें स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं हम निमेटोसाइट्स। तो ये निमेटोसाइट्स क्या करते हैं, कोरल्स पोजेस द स्पेशल स्ट्रिंगिंग सेल्स कॉल्ड निमेटोसाइट्स इन देयर टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग द प्रे। तो देखो इनके जो टेंटिकल्स होते हैं, जैसे इस तरीके से टेंटिकल्स हैं, इन टेंटिकल्स में स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, इन सेल को हम बोलते हैं निमेटोसाइट्स, और ये हेल्प करते हैं प्रे को कैप्चर करने में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेवरल कोरल्स हैव मल्टी म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द जूजेंथिल्स दैट फोटोसिंथेसाइज एंड पोजेस एंड पास सम ऑफ द फूड टू द होस्ट। तो मानो ये है कोरल, और ये क्या करता है, ये जो जू जू जेंथिया है इनके साथ में एसोशिएट हो जाता है। अब ये तो क्या कर रहा है, इसको प्रोटेक्शन दे रहा है और उसको शेल्टर दे रहा है, और साथ में ये जो होता है ये फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है, खुद भी खाता है और कुछ अपने होस्ट को भी दे देता है। तो इस तरीके से ये साथ में रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हालांकि सारे नहीं होते हैं, कुछ है कि ऐसा काम करते हैं। रीफ्स फॉर्म व्हेन कोरल ग्रो इन अ शैलो वाटर क्लोज टू द शोर्स, मतलब कि जो वाटर होता है उसके किनारे पर जहां पर भी ये रह रहे हैं उसके आसपास ये कोरल रीफ बना लेते हैं, उसको हम कोरल रीफ बोलते हैं। वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, देखो ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है, ये कोरल रीफ है। जब ये क्या करते हैं, कोरल मतलब पानी के इस पे होते हैं, शोर्स पर होते हैं, तो वहां क्या करते हैं, कोरल रीफ बना लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑल कोरल ग्रो ओनली इन द फोटिक जोन्स एज दे नीड सनलाइट फॉर देयर ग्रोथ। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, सारे जो कोरल हैं उनको फोटिक जोन की जरूरत नहीं है, सनलाइट की जरूरत नहीं है। तो अब अगर उन्हें सनलाइट की जरूरत नहीं है तो वो ऐसे एरिया में भी नहीं रहेंगे जहाँ सनलाइट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटिक जोन बोलते हैं। तो उसमें लिखा है कि ऑल कोरल ऐसे होते हैं, तो ये गलत है। तो कोरल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, द फोर्थ ऑप्शन। ओके, ये हो जाएगा। तो देखिए हमने आज के लिए जितने भी क्वेश्चन हमें करने थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जो फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट है, अगर आप इन दोनों को अच्छे से याद कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी यूनिट 9 में। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।